So welcome back to Lunatic Talks, animation series का 36th episode है और इस episode में बात करने वाले Adobe softwares के बारे में, यानी कि Adobe उन softwares के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनका basic knowledge आपको होना चाहिए अगर आप 3D या फिर वीएफएक्स की इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो, वहाँ पर आना चाहते हैं, ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो बेसिकली इन सॉफ्टवेयर का आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कौन से Adobe के सॉफ्टवेयर जानते हैं इस वीडियो में, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फोटोशॉप में भी क्रिएट कर सकते हो, उसे प्रॉपर्ली वहाँ पर अरेंज कर सकते हो, डिटेल और कॉम्प्लेक्स टेक्सचर्स आप वहाँ पर क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि फोटोशॉप बेसिकली उतने टूल्स प्रोवाइड नहीं करता, बट आप बेसिक टेक्सचर्स वगैरह पर प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर सकते हो। टेक्सचरिंग के अलावा दूसरा जो इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है फोटोशॉप का, वो है कंपोजिटिंग, कंपोजिशन। 3D में आप जो भी चीज़ें क्रिएट करते हो और जब उसके आप फाइनल रेंडर्स वगैरह लेते हो, रेंडर होने के बाद आपके पास आते हैं अलग अलग तरह के पासेस, डिफ्यूज, स्पेक्युलर, सबसरफेस, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये सारे पासेस वगैरह होते हैं। तो इन सारे पासेस को आप मर्ज कर सकते हो फोटोशॉप में, जूम शॉप में इन सारे पासेस को आप ला सकते हो, देन आप कंपोजिटिंग कर सकते हो, कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन, मास्किंग और भी कई सारी चीज़ें आप कंपोजिटिंग में फोटोशॉप के थ्रू इन सारे पासेस को कर सकते हो। टेक्सचरिंग एंड कंपोजिशन, फोटो एडिटिंग के अलावा ये भी चीज़ें आप फोटोशॉप में कर सकते हो, और फोटोशॉप की बेसिक नॉलेज मस्ट है, मेक श्योर कि आपको फोटोशॉप बेसिक यूज करते आता हो। नेक्स्ट Adobe का जो सॉफ्टवेयर वो है Adobe After Effects। अब After Effects अपने आप में एक बहुत ही शानदार, इंटरेस्टिंग और बहुत सुपर सॉफ्टवेयर है। एक टाइम था जब इस सॉफ्टवेयर ने इंडस्ट्री पर राज किया था, आई थिंक 2011 से लेकर 2012 तक इस सॉफ्टवेयर ने इंडस्ट्री में राज किया था, बिकॉज After Effects एक VFX सॉफ्टवेयर है, ठीक है, VFX प्लस मोशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। 2011 और 2012 तक इंडस्ट्री या फिर प्रोडक्शन लेवल के जितने भी काम होते थे, सारा VFX वाला पार्ट बेसिकली After Effects में डील किया जाता था। After Effects एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी उस टाइम पर, उसके बाद न्यू को आ गया और After Effects भी थोड़ा सा पीछे हो गया, अब उसे इतना VFX के लिए यूज नहीं करते। After Effects में मिलते आपको सारे टूल्स VFX से रिलेटेड, आप उसमें रोटो कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, कंपोजिशन कर सकते हो, कंपोजिशन में आपके हुए कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग, डेटमेक कन्वर्जन, डिजिटल मेकअप, ट्रैकिंग, मास्किंग और भी कई सारे स्पेशल इफेक्ट्स वहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो। सो After Effects की भी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस रेंडर करते हो अगर 3D में, अगर आप एक फ्रेम रेंडर कर रहे हो तो आप कंपोजिशन फोटोशॉप में कर सकते हो, लेकिन अगर आप सीक्वेंस रेंडर करते हो तो कंपोजिट करना है तो आपको किसी कंपोजिशन सॉफ्टवेयर या फिर एफएक्स सॉफ्टवेयर में उसे ले जाना पड़ेगा। तो After Effects इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस थिंग, After Effects एंड न्यू डेफिनेटली। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है Adobe प्रीमियर प्रो। अब Adobe प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अब वीडियो एडिटिंग क्यों आनी चाहिए अगर आप 3D की फील्ड में हो या फिर VFX की फील्ड में, द थिंग इज जब भी आप अपना जॉब के लिए अप्लाई करते हो या फिर किसी जॉब के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, थिंग इज आपको वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रील दिखानी पड़ती है, जो कि होता है आपका काम, यानी कि आपने 1.5-2 साल में जो भी कुछ सीखा है उस पर आपने क्या काम किया है, जो भी आपने बनाया है, जो भी क्रिएट करा है 3D में, VFX में, उसे एक शोरील के फॉर्म में आपको वहाँ पर दिखाना होता है। तो दैट इज द शोरील, ओके। सो शोरील जब आप दिखाते हो तो आपको केवल फाइनल इमेज ही दिखाना होता है कि ये मेरी फाइनल इमेज है, इसे इस तरीके से कुछ दिख रहा है। थिंग इज आपने ऑब्जर्व करा हो कि कोई भी अगर आप शोरील वगैरह देखते हो या यूट्यूब पे जब सर्च करते हो तो ब्रेकडाउन के साथ शो किया जाता है कि क्या क्या इसके पीछे पूरी प्रोसेस हुई, कौन कौन से पासेस यूज किए, किस तरह के इसमें कलर ग्रेडिंग, कलर टोन, कंपोजिशन सब कुछ किया गया है, तो ब्रेकडाउन आपको उस पर शो करना पड़ता है। अब ब्रेकडाउन बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बेस्ट है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अभी भी ब्रेकडाउन बनाने के लिए After Effects को प्रेफर करते हैं। After Effects में आप ब्रेकडाउन बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही लंबा और बहुत ही घटिया प्रोसीजर है। तो इससे अच्छा है Adobe प्रीमियर प्रो प्रीफर करो, उसमें ऑलरेडी सारे प्रीसेट्स क्रिएटेड है, आपको सिर्फ अपने फाइल्स को ले जाना है, प्रीसेट्स अप्लाई करना है, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर वो है Adobe इलस्ट्रेटर। अब Adobe इलस्ट्रेटर एक ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, बेसिकली आप उसमें अपने ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट आर्ट, स्केचिंग, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें आप उसमें कर सकते हो। अब आपको ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो थिंग इज जब भी आप इंडस्ट्री लेवल पर बात करते हो तो पहले सारा पेपर वर्क होता है, पेपर वर्क होने के बाद उस पेपर वर्क को कंप्लीटली 3D में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप सपोज करो आपको कोई मॉडल क्रिएट करना हो, आपके पेपर की जिस तरह का कैरेक्टर होगा या दिखेगा, तो आप या तो उसे पेपर में बना सकते हो या फिर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको मिलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टूल्स जो आपके वर्क को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल और टाइम कंज्यूमिंग बनाते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक बोनस सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दूँ, जो कि Adobe मीडिया एनकोडर। अब Adobe मीडिया एनकोडर कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, ना कोई वीएफएक्स सॉफ्टवेयर है,
बेसिकली एक फाइल कन्वर्जन सॉफ्टवेयर है, फाइल के फॉर्मेट को कन्वर्ट करना, बिना क्वालिटी कम करे उसके साइज को रिड्यूस करना और कई सारी चीज़ें ये सब सॉफ्टवेयर करता है बेसिकली, ठीक है। तो इस पर भी आपको कई सारे प्रीसेट्स वगैरह मिलने लगे आजकल, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रीसेट्स अप्लाई करने, कुछ कस्टम सेटिंग्स आप यहाँ पर और इंक्लूड कर सकते हैं, दैट्स इट योर टर्म। तो बेस्ट है अगर आपके पास कोई फाइल है जो बहुत ज़्यादा उसका साइज जा रहा है लेकिन आप चाहते हैं कि उसका साइज कम हो जाए, लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहे, सो अडोबी मीडिया एनकोडर बेस्ट सॉफ्टवेयर। इसके अलावा और भी कन्वर्जन सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बट मेरी प्रेफरेंस है अडोबी वैसे। तो ये थे अडोबी के कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो आपको पता होना चाहिए अगर आप 3D या फिर VFX की इंडस्ट्री में आना चाहते हो या फिर इंटरेस्टेड हो या सीखना चाहते हो। अगर आप 3D या VFX इंडस्ट्री में नहीं भी आना चाहते, अगर आप मोशन ग्राफिक्स की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो या फिर वीडियो एडिटिंग की इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, तो जो आपको आने चाहिए जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए, Adobe मीडिया एनकोडर, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर इफ यू वॉन्ट। एक छोटा सा वीडियो Adobe के सॉफ्टवेयर के बारे में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लूनाटिक टॉक्स।